आज की हमारी वीडियो होने वाली है फिश फूड के बारे में, जिसका नाम है ड्राइड ब्लैक शोल्डर फ्लाई लार्वे। तो यार ये बॉक्स है इसका, ये कंपनी प्रोटाइन है जो ये लार्वे प्रोवाइड करती है। तो इसका मैं फुल डिटेल आपको रिव्यू देने वाला हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस एंड पैकेजिंग की तरफ ऊपर। तो प्राइस तो यार इसका 285 रुपीस फॉर 50 ग्राम है, तो ये बहुत ही महंगा मैं कह सकता हूँ। और प्रोटीन कंटेंट है इसमें 40%, जो ओकेश है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है फिश के लिए। और तीसरी बात है यार, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही ऑयल है इसके अंदर। या तो ये सन ड्राइड नहीं है, फ्राइड है जो इतना ऑयल है। और अगर ये सन ड्राइड ही है तो इसमें एनिमल ऑयल बहुत ज़्यादा है, ये जो इनसे रिलीज़ हुआ है, तो इसको कंपनी को हटाना चाहिए। बाकी बात करें फ़िश के बारे में, तो फ़िश को ये ज़्यादा पसंद नहीं आया, यू कैन से। जैसे मैं ऑप्टिमम के बहुत छोटे वाले मिनी पैलेट्स डालता हूँ, वो आराम से खाती हैं, इतना वो नहीं। तो सेम एज इज़ दिस, जाइंट फिश हैं तो सब कुछ खा लेती हैं, बट नहीं, आई विल जस्ट, ऐसा है कि अब आगे नहीं मंगवाऊंगा ये। अब बात कर लेते हैं इसके ऑयल कंटेंट के बारे में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसके लार्वे एज यू कैन सी, और देखो अब बड़े आसानी से ब्रेक हो रहे हैं। और अब आप ये देखो, ये टेबल है, अगर आप हाई क्वालिटी में देखोगे आपको दिखेगा ऑयल। मैं कवर ब्रेक करता हूँ, आप देखो ऑयल। तो यार ये फिश के लिए बिल्कुल यू कैन से ज़्यादा अच्छा नहीं है, और पानी भी क्लाउडी करता है। सो इट्स बेटर कि आप फिश को अपने श्रिम्प दें, एज ये बिल्कुल अच्छे से ड्राइड होते हैं, बहुत ही अच्छे ड्राई हैं। प्रोटीन कंटेंट इनमें 70% प्रोटीन है, 67% प्रोटीन है इनमें, और इसमें है प्रोटीन 40%, 67% और 40%, इतना फ़र्क है दोनों में। और तीसरी बात, श्रिम्प का ये आपको 500 ग्राम्स का पैकेट 500 रुपीज़ का पड़ेगा, और शायद ऑफलाइन लेंगे तो और भी सस्ता पड़ेगा। और ये 50 ग्राम का पैकेट 285 का पड़ा, मतलब 500 रुपीज़ में ये 100 ग्राम ही आएगा, और ये वाला आपको आएगा पूरा हाफ केजी। सो बेटर गो विथ श्रिम्प, और श्रिम्प फिश खुश होकर भी खाती हैं। एंड प्लीज़ डोंट गो विथ दिस प्रोडक्ट, I really don't like this, and अच्छा है कि आप फिश को ना ही दें। बाकी अगर कुछ नया ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं इसके मैं मानता हूँ। बट डिटेल रिव्यू मैंने आपको बताया कि बहुत ऑयली है, मेन चीज़ यही है, और पानी को गंदा करता, एंड फिश डोंट इतना अच्छे से लाइक नहीं करती इनको जितना श्रिम्प को करती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये शॉर्ट रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।